पुराने दौर से लेकर के नए दौर तक के भोजपुरी कलाकारों की दास्तां, नजीर हुसैन से लेकर कुणाल सिंह, मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह, जानिए सभी के संघर्ष की कहानी। भोजपुरी सिनेमा के हर एक खबर का सटीक विश्लेषण हमारे नए YouTube चैनल नारद टीवी भोजपुरी पर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस का आनंद उठाएं। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का एक मशहूर डायलॉग है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, जरूरत होती है उससे डटकर मुकाबला करने और हार न मानने वाली जीवटता की। आज हम एक ऐसे ही क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिसने मुफलिसी का वो दौर जिया जिसे सुनकर भी अच्छे से अच्छे लोगों का धैर्य जवाब दे जाए। लेकिन इस क्रिकेटर ने न सिर्फ उस दौर को पीछे छोड़ा बल्कि भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा चमकता सितारा बना जिसे विश्व विजेता टीम का अज्ञात योद्धा नाम दिया गया। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की क्रिकेट श्रृंखला अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आज के एपिसोड में हम मुनाफ पटेल के संघर्ष भरे जीवन से भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी बनने तक के सफर की बात करेंगे। सबसे पहले मुनाफ के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। मुनाफ का जन्म 12 जुलाई 1983 को मूसा पटेल और साइदा पटेल के घर गुजरात में भरूच जिले के एक छोटे से गांव इखार में हुआ था। हर बच्चे की तरह मुनाफ ने भी खूब बड़े बड़े सपने देखे थे। क्रिकेट का शौक उन्हें कब हो गया वो खुद भी नहीं समझ पाए, और जब वह गांव के ही स्कूल में 7वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे थे उस समय वह अपने आसपास के इलाकों में सबसे तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि उनके घर में गरीबी थी और वह उससे निजात पाना चाहते थे। उनके पिता दूसरे के खेतों में काम करते थे। गरीबी और मुफलिसी का आलम ये था कि घर के बच्चों को साल में एक बार ही कपड़े दिलवाए जाते थे। इस गरीबी के आलम में अपने पिता को सहयोग करने के लिए मुनाफ ने गांव के पास ही एक टाइल फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 8 घंटे काम करने पर 35 रुपए मिला करते थे। मुनाफ ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान उन दिनों को याद करते हुए कहा था, दुखी होता था लेकिन झेलने की आदत हो गई थी। हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। पिता अकेले कमाने वाले थे और हम लोग स्कूल जाते थे। एक दिन मुनाफ के काम करने की बात को उनके एक दोस्त ने उनके शिक्षक को बता दी। शिक्षक ने मुनाफ से कहा, तुम्हारी उम्र क्या है, जब तुम अपना स्कूल पूरा कर लेना तब तुम काम भी कर सकते हो, अभी सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई और खेल पर ध्यान दो। मुनाफ इसी तरह से जिंदगी के संघर्ष को झेलते हुए एक तरफ जहां क्रिकेट खेल रहे थे तो दूसरी ओर पिता की हर संभव मदद कर रहे थे। फिर कुछ सालों के बाद मुनाफ की मुलाकात उनके गाँव के ही एक व्यक्ति यूसुफ भाई से हुई। मुनाफ ने यूसुफ से उन्हें उनके क्रिकेट करियर आगे बढ़ाने के लिए बड़ौदा जाने को कहा। हम आपको बताते कि मुनाफ के पास उन दिनों इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक जूते खरीद सके। मुनाफ चप्पल पहनकर ही क्रिकेट खेला करते थे। यूसुफ भाई ने उन्हें जूते दिलवाए और क्रिकेट क्लब में भर्ती करवाया और यहाँ से मुनाफ के एक नए जीवन का आगाज हुआ। हालांकि उनके पिता उनके क्रिकेट खेलने से खुश नहीं थे। हर दिन शाम को खाने के समय वह मुनाफ को क्रिकेट छोड़कर उनके साथ काम करने के लिए कहा करते थे। साथ ही वह चाहते थे कि मुनाफ अफ्रीका जाए और वहाँ से पैसे कमा कर लाए। दरअसल मुनाफ के गांव के ज्यादातर लोग अपने दोस्त व संबंधी की जान पहचान से अफ्रीकी देशों में जाते थे और यहाँ दुकानों व फैक्ट्री में नौकरी करते थे। मुनाफ के भी एक चाचा जाम्बिया में रहकर नौकरी करते थे, इसलिए उनके पिता चाहते थे कि वह उनके पास जाए और काम में लग जाए। लेकिन मुनाफ ने अपने क्रिकेट में ही करियर बनाने का मन बना लिया था। उनके रास्ते में कई कांटे बिछे थे, इसके बावजूद मुनाफ ने कभी भी हार नहीं मानी और क्रिकेट एकेडमी पहुंचकर मुनाफ ने खूब मेहनत की और आखिरकार साल 2003 में उन्होंने गुजरात के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। इसी बीच भारत के मुख्य चयनकर्ता किरण मोरे की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने मुनाफ को MRF पेस फाउंडेशन में बुलाया, जहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेनिस लिली को उन्होंने खूब प्रभावित किया और वहीं उनकी मुलाकात सचिन तेंदुलकर से भी हुई। सचिन ने उन्हें मुंबई की टीम से रणजी खेलने को कहा। इसके बाद साल 2006 में मुनाफ को इंग्लैंड के खिलाफ बोर्ड अध्यक्ष एकादश टीम में शामिल किया गया और उन्होंने मैच में 10 विकेट चटकाकर सबको अपने बेमिसाल हुनर का परिचय दिया। उस समय मुनाफ को भारत का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता था, जो लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकता था और गेंद को विकेट के दोनों ओर स्विंग करा सकता था। मुनाफ स्लोअर गेंद भी फेंकते थे तो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मुनाफ के इसी हुनर का परिणाम हुआ कि इसी साल मुनाफ को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला और अपने पहले ही टेस्ट में मुनाफ ने 7 विकेट चटका दिए। इसके बाद मुनाफ भारतीय गेंदबाजी का
अहम हिस्सा बन गए। उन दिनों मुनाफ के बारे में कहा जाता था कि मुनाफ और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रॉथ का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल मिलता जुलता है। साथ ही मुनाफ पिच पर एक रुपए के सिक्के पर भी लगातार बिना चूके गेंद फेंक सकते हैं। मुनाफ ने अपने टेस्ट डेब्यू के एक महीने बाद ही वनडे में डेब्यू कर लिया और फिर साल 2007 के विश्व कप टीम में चुने गए। लेकिन इस विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और भारतीय टीम श्रीलंका और बांग्लादेश से हारकर टूर्नामेंट के पहले ही दौर से बाहर हो गए। इसलिए मुनाफ को कुछ ज्यादा करने का मौका नहीं मिल सका। मुनाफ साल 2006 से साल 2011 के बीच टीम इंडिया के नियमित सदस्य रहे। हालांकि चोट के कारण उन्हें टीम से बार बार बाहर भी होना पड़ा। इसके बाद आया साल 2011 का विश्व कप। इस विश्व कप में भारतीय टीम ने इतिहास रचा और मुनाफ भी भारत की जीत का अहम हिस्सा रहे। लेकिन विश्व कप टीम में भी उनका चयन संयोग वशी हुआ। दरअसल ठीक वर्ल्ड कप से पहले प्रवीण कुमार चोटिल हो गए थे और प्रवीण कुमार तथा नेहरा का कॉम्बिनेशन टीम के लिए जम चुका था और जहीर खान भारत की जरूरत थे, इसलिए प्रवीण कुमार का विश्व कप के लिए चुना जाना तय था। लेकिन उन्हें चोट लगने के कारण मुनाफ पटेल को टीम में शामिल कर लिया गया और मुनाफ ने अपने चयन को सही साबित करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और खास तौर पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मैच में उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर दो सबसे अहम विकेट लिए थे। इस वर्ल्ड कप में युवराज और जहीर खान के बाद उन्होंने ही सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। भले ही मुनाफ विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर रहे हों, लेकिन उन्होंने कितने महत्वपूर्ण विकेट लिए इसका पता इस बात से चलता है कि 2011 विश्व कप में टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने तो मुनाफ पटेल को विश्व कप का एक अज्ञात योद्धा बताया था। इसके बावजूद मुनाफ को वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। विश्व कप के बाद मुनाफ 5-6 महीनों तक अपनी चोट के कारण क्रिकेट से बाहर रहे और इसके बाद वह वापसी करने में कामयाब नहीं हो पाए। अपने करियर में चोटों से परेशान रहे मुनाफ ने भारत के लिए अपने करियर में कुल 13 टेस्ट मैच, 70 वनडे, 3 T20 मैच खेले। टेस्ट मैचों में उन्होंने 35 विकेट, वनडे में 86 और T20 मैचों में 4 विकेट लिए। इसी बीच मुनाफ IPL में भी कई टीमों की ओर से खेलते नजर आए। IPL का उनका एक किस्सा भी काफी मशहूर है। दरअसल ये बात साल 2009 के IPL से जुड़ी हुई ऐसी घटना है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उस दौरान मुनाफ राजस्थान रॉयल की टीम में खेला करते थे और शेन वॉर्न उस टीम के कप्तान हुआ करते थे। राजस्थान रॉयल्स का एक मैच चल रहा था जिसमें उनकी टीम को जीतने की उम्मीदें बहुत कम थी। ऐसे में मुनाफ को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो इस मैच को जिता सकते हैं और उन्होंने कप्तान वॉर्न से गेंदबाजी मांगी, लेकिन वॉर्न ने उन्हें गेंदबाजी देने की बजाय किसी और गेंदबाज को बॉल थमा दी। यह देखकर मुनाफ को काफी गुस्सा आया और राजस्थान रॉयल्स वो मैच हार गई। वॉर्न के इस रवैये से चिढ़कर मैच खत्म होने के बाद मुनाफ ने टीम के मालिक से वॉर्न की शिकायत कर दी। इसके बाद बात बढ़ती देखकर शेन वॉर्न मुनाफ को मनाने पहुंचे, लेकिन मुनाफ उस वक्त बेहद निराश थे, इसलिए वो वॉर्न के दरवाजा खटखटाने के बाद भी बाहर नहीं आए और कमरे के अंदर से ही उन्हें चले जाने को कहा। मुनाफ ने कहा, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप जाइए। मुनाफ ने साल 2013 में आखिरी बार IPL मुकाबला खेला और इसके बाद उन्हें IPL में कोई भी खरीदार नहीं मिला और वो क्रिकेट से दूर होते चले गए। इस तरह यह चमकता सितारा गर्दिश में कहीं खो गया। आखिरकार नवंबर 2018 में 15 साल के क्रिकेट करियर के बाद मुनाफ ने खेल के सभी रूपों को छोड़ने का फैसला ले लिया। संन्यास लेते समय मुनाफ ने कहा था कि मुझे किसी बात का मलाल नहीं, मैं जिन भी क्रिकेटरों के साथ खेला वो सब रिटायर हो चुके हैं, बस धोनी बचे हैं, इसलिए अब कोई दुख नहीं है, सबका टाइम खत्म हो चुका है। गम तब होता है जब बाकी खेल रहे होते हैं और मैं रिटायर होता हूँ। मेरा मन आज भी नहीं मान रहा कि मैं क्रिकेट छोड़ूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं, बस क्रिकेट ही समझ आता है। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद मुनाफ अपने उसी छोटे से गांव में रह रहे हैं और क्रिकेट में कोचिंग देने के करियर को अपनाना चाहते हैं। मुनाफ पटेल को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमें कभी भी किसी भी तरीके की मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हार न मानने वाले व्यक्ति एक ऐसे योद्धा होते हैं जो अपने जीवन की एक नई कहानी लिखते हैं और मुनाफ भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। नारा टीवी की टीम मुनाफ के जीवटता को सलाम करती है और उनके सुखद भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और हमारे पिछले वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
पुराने दौर से लेकर के नए दौर तक के भोजपुरी कलाकारों की दास्तां। नजीर हुसैन से लेकर कुणाल सिंह, मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह, जानिए सभी के संघर्ष की कहानी। भोजपुरी सिनेमा के हर एक खबर का सटीक विश्लेषण हमारे नए YouTube चैनल नारद टीवी भोजपुरी पर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस का आनंद उठाएं।